गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज ज्वाला गर्ग। आई एम रिप्रेजेंटिंग दी मुकुल गर्ग एंड एसोसिएट्स एज अ पार्टनर। यस, टुडे टॉपिक इज जीएसटीआर रिलैक्सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड स्टे इन होम। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें मन में आ रही है कि जीएसटीआर रिटर्न रिलैक्सेशन कैसे है, कैसे जीएसटीआर की रिटर्न में ही गवर्नमेंट ने क्या क्या छूट दी है। यस, मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या जीएसटी क्या क्या गवर्नमेंट ने हमें रिलैक्सेशन दिया है फॉर द जीएसटीआर ऑडिट, जीएसटीआर रिटर्न, जीएसटीआर जीएसटी एनुअल रिटर्न, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 एंड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एंड नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज द जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B है बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, जो दो कंपनी अपना अपनी जो रिटर्न फाइल करती थी थ्रू डीएससी, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक छोटा सा रूल में चेंज करा है, दैट इज ईबीसी कोड। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कंपनी की जीएसटीआर रिटर्न जो है जीएसटीआर 3B हमने विदाउट डीएससी फाइल करी हो। यस, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक छोटा सा रिलैक्सेशन लाया है बिकॉज बिकॉज एसएससी के पास डीएससी है, सीएस के पास हमारे पास डीएससी नहीं होंगे, बहुतों के हैं होंगे बहुतों के नहीं होंगे, बट स्टिल तो गवर्नमेंट ने वहां पे सोचते हुए कहा कि ठीक है, आपको एक ईवीसी के थ्रू जो कि आपका ओरिजिनली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, वो आप उस पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, देन आप उसके थ्रू अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इन द रूल्स। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ द निल रिटर्न। अगर जो जो एसएससी जो एसएससी अपनी निल रिटर्न फाइल करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने एक शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, दैट इज हम उसे क्या कहते हैं, एसएमएस सर्विस के थ्रू हम रिटर्न फाइल करते हैं। जस्ट सेंड अ एसएमएस एंड देन वी गेट एन ओटीपी, यस यू हैव फाइल योर रिटर्न। बट ये अभी नोटिफाइड नहीं हुआ, इट विल बी नोटिफाइड सून। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई 2020। बट एक चीज मैं आपको उससे पहले और आपको क्लियर करूंगी, हमने ये ग्रीन थीम क्यों करी है, ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19, कि हम जल्द से जल्द इस पेंडेमिक सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए। हमारा इंडिया, हमारी दिल्ली, हमारा वर्ल्ड, एवरीथिंग विल बी इन द ग्रीन जोन, नॉट इन द एनी अदर जोन। Okay, now the coming back to my topic is the GSTR 3B for the month of March, April and May 2020. Government ne isme do condition le liye hai. Do unhone condition basically isme koi extension nahi hui, isme some relaxation hai. That is first one is the if in case of the turnover of the SSC, annual turnover of the SSC is less than the 5 crore. Then the GSTR 3B for the month of March, April, May 2020, कब हमें फाइल करनी है, on or before 24th June 2020. And उसके लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई लेट फी नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। बट अगर आपने रिटर्न जो है अगर 24 जून तक अपने फाइल नहीं करी, देन आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा 18%। ओके, the next first one is the those SSC whose aggregate turnover is less than 5 crore. Now the, other than those SSC having the turnover equal to or more than 5 crore, in situation mein kya kaha hai government ne, is situation mein kaha hai GSTR 3B ki aapki date bhi 24 June hi rahegi, but uske liye aapko 9% ka reducing 9% interest would be levied, आपको पे करना पड़ेगा। वो कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज द आफ्टर द 15 डेज। जैसे सपोज करो हमारी मार्च की रिटर्न हमें फाइल करनी थी, कब करनी थी, हमें करनी थी 20 अप्रैल को, ड्यू डेट है। गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने 20 अप्रैल तक नहीं करा कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपने उसके 15 दिन के अंदर अंदर और नहीं करा आफ्टर द ड्यू डेट, तब भी आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपने After 15 days आपने पे कर आपने रिटर्न फाइल करी, देन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 9% का। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट हैज रिलैक्स्ड वन थिंग मोर इज द पेनल्टी एंड द लेट फी, इस केस में भी आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द GSTR 1। यस, गवर्नमेंट हैज साइमल्टेनियसली
extend the due date of GSTR 1. That is, the GSTR return also extended due to the COVID-19 for the month of March, April, May 2020. And the last date of furnishing of return is 30th June. Okay? For all the SSAs, yes. And there is a waiver of late fees. यहाँ पे आपको कोई late fee pay करने की ज़रूरत नहीं है. The next topic is the annual return and GST return. GST, annual return and the GST audit. This is the main topic for the financial year 2018 and 19. Basically, government made financial year 2018-2019 के अभी तक हम कब से extend कर होती जा रही है date, लेकिन अभी तक ये final नहीं हुई है. बहुतों ने सोचा भी नहीं होगा, बहुतों ने सोचा हुआ है, बहुत सारी चीजें उसमें pending है. चलो ठीक है, लेकिन government ने इसमें एक extension हमें दे दिया है. Finally, एक रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ, हमें एक रिलैक्सेशन है कि अब हमारी जो ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR ऑडिट एंड एनुअल रिटर्न हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30th सितंबर 2020. आई होप आप सबको ऑल क्लियर है. द नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सटेंशन इन ईवे बिल. ईवे बिल क्या होते हैं? अब ईवे बिल हमने बेसिकली मैं आपको कहूँ कि ईवे बिल जो हमारे जनरेट हो गए थे, कब जनरेट हुए थे? ईवे बिल जनरेटेड ऑन और बिफोर 24th 2020, लॉकडाउन पीरियड से पहले पहले हमारे ईवे बिल जनरेट हो गए. बट उसके बाद हमारा लॉकडाउन लग गया, ना कोई आया ना कोई गया, सबकी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी. देन उस केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा? कहा कि वैलिडिटी अगर उन ईवे बिल की एक्सपायरी हो रही है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, देन द एक्सपायरी विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड टिल 31st May. मैं आपको समझाती हूँ. अगर आपकी जो भी ईवे बिल एक्सपायर हो रहे हैं बिफोर जो भी एक्सपायर हो रहे हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, देन आपको कि उसके ईवे बिल की वैलिडिटी आपकी हो जाएगी 31st May 2020. आई होप सबको क्लियर होगा. एंड मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रही हूँ आगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. यस, दिस इज अनदर चेंजेस मेड बाय द गवर्नमेंट. दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या होता है, जब रजिस्टर्ड सप्लायर अपने गुड्स बेचता है किसको? रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर को बेचता है, देन आपका रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाता है? हमारा रेट ऑफ टैक्स हो जाता है 0.1%. उसके लिए एक कंडीशन गवर्नमेंट ने लगा रखी थी कि जो गुड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो होंगे वो एक्सपोर्ट हो जाने चाहिए 90 डेज के अंदर. कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस. ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ? अब हमारा बट ड्यू टू COVID-19 क्या हुआ? सेम by requirement of exporting of goods within 90 days, हमने अगर suppose करो during the lock before the lockdown period, हमने before the lockdown period क्या करा था? हमने invoice काट दिया था अपना, right? Tax invoice issue कर दिया exporter को. अब क्या हुआ कि उसे 90 days के अंदर अंदर हमें export कराना है उस goods को, वो but हमारी export नहीं हो पाई due to the lockdown. तो government ने यहाँ पे क्या relaxation दी है? गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है कि ये आपका टैक्स इनवॉइस की जो 90 डेज आपके काउंट होंगे वो काउंट होंगे आपके 30th जून तक 2020. आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज द जीएसटी आईटी 04 ऑन जॉब वर्कर. ये क्या होता है? जॉब वर्कर, जब भी हम गुड्स जॉब वर्कर को भेजते हैं, जॉब वर्कर से रिसीव करते हैं, उसके लिए हमें एक रिटर्न फाइल करनी होती है. दैट इज द बेसिकली द फॉर्म फाइल करना होता है ITC 04 GST. उसकी ओरिजिनली डेट होती है हमारी 25th April, बट ड्यू टू COVID-19 ये गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ COVID-19, दैट इज June 30th 2020, फॉर द पीरियड ऑफ सेम 20th March 2020 to 29th June 2020. आई होप आप सबको ये क्लियर होगा टॉपिक. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. एनी क्वेरी, एनी रिलेटेड टू एनी इशू, एनी सजेशन, प्लीज कॉन्टेक्ट अस.
My name is, again, I am repeating, my name is Jwala Garg. And my phone number and my email ID for our company is given in the below page. Thank you, everyone. Thank you very much.